स्टूडेंट्स, आई एम ओएस व्यास, यूबी, योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। आज जिस स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन भेजा है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, हालांकि आप पूरा अगर ऐसा बोल देते कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाता। फिर कल के दिन कोई स्टूडेंट क्वेश्चन भेजेगा और वो बोलेगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। बट आपने जितना पूछा है मैं उसका आंसर दे देता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर आप एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखें तो मैं एक लाइन देता हूं, डेवलप्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ठीक। अब आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर आपने ऐसा क्यों लिखा आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म? बिकॉज एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। चलिए मैं यहां रीजन लिख देता हूं, रीजन न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। ठीक, तो देखिए उसका जो मैंने आपको रीजन दिया कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के बाद होता है, उसका रीजन लिखा है कि एंडोस्पर्म ही क्या काम करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। तो अगर एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होगा पहले तो फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा, इसलिए मैंने ये रीजन बोला था। तो चलिए अगर अपन देखें तो दिस वन इज द फ्लावर, ये फ्लावर का थैलेमस मैंने बनाया हुआ है। दिस वन इज द ओवरी स्टाइल एंड दिस वन इज द स्टिग्मा। यहां दिस वन इज द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या है, देयर इज एम्ब्रियो सैक, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक, अब यहां दीज आर स्टैमेन, ग्रेन, और स्टैमेन के बाहर यहां दीज आर पेटल्स, इनकी जरूरत नहीं है वैसे, एंड कैलेक्स। अब एक पोलन ग्रेन कहां पे लैंड करता है, स्टिग्मा पे, वहां जर्मिनेट करके एक पोलन ट्यूब निकलती है और पोलन ट्यूब कैरी करती है मेल गैमेट। यहां ये मेल गैमेट है और ये लीजिए मेल गैमेट कहां लेके जा रही है, सॉरी पोलन ट्यूब मेल गैमेट को कहां लेके जा रही है, इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल के भी अंदर कहां, एम्ब्रियो सैक में। तो चलिए मैं एक अगर लेबलिंग करके दिखाऊं आपको, तो दिस वन इज द ओव्यूल ओवरी, यानी ओव्यूल कहां है, तो आप कहेंगे इनसाइड द ओवरी। मैं ओव्यूल का देता हूं, दिस वन इज द, ये ओव्यूल के इंटर आउटर देन इनर, ये क्या बनाया हुआ है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर
दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, मुझे मतलब है किससे, एम्ब्रियो सैक से, एंड दिस वन इज द एग सेल, एग सेल के इधर साइड में प्रेजेंट है दीज आर सिनर्जिड सेल्स, दिस वन इज द पोलर न्यूक्लियाई, एंड इसके अपोजिट साइड में एंटीपोडल सेल्स है। ठीक, अब देखिएगा, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, मुझे मतलब है मेनली इससे। ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, और ओव्यूल भी कैसा है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में कब बोलता हूं, जब चलेजा किसकी तरफ हो, फ्यूनिकुलस की तरफ हो, इन्वर्टेड है कंप्लीटली। यहां इस एम्ब्रियो सैक के बाहर देयर इज द न्यूसिलस, दिस वन इज द न्यूसिलस, और मैंने बोला था इसके पहले न्यूसिलस इज यूटिलाइज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये न्यूसिलस क्या होता है, यूटिलाइज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बट एक्सेप्शनली प्रेजेंट और परसिस्ट इन ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर एंड कॉल्ड पेरी स्पर्म। ये मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूं, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पेरिस्पर्म का, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात हुई, मुझे जो मेन मतलब है वो किससे है, तो मैं कहूंगा एम्ब्रियो सैक से, मुझे इससे मतलब है। और आपने पहले ही कहा था यहां से ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करती हुई एंटर कर रही थी, माइक्रोपाइल से होती हुई कहां, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो डिटेल स्ट्रक्चर देखता हूं किसका, एम्ब्रियो सैक का। लीजिए, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में दिस वन इज द एग सेल, ये एग सेल है, और जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर हो जाती है तो एंटर होने के बाद जो सिनर्जिड सेल्स हैं दे ग्रेजुअली डिजनरेटेड। ये देखो, ये मैं डिजनरेटिंग क्या दिखा रहा हूं, सिनर्जिड सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक, या ये पोलर न्यूक्लियाई भी मैं बोलता हूं, और इसके अपोजिट साइड में यहां पे दीज आर ऑल्सो डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। यानी मैंने क्या बोल दिया कि जैसे ही पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है, ये देखो ये पोलन ट्यूब एंटर हो गई। अब आप ये मत कहना कि पहले सर आपने नीचे से पोलन ट्यूब लाए थे, अब ऊपर से आप एंटर कर रहे हो, ये मान लो मैंने इसको रोटेट करके बना दिया है। ठीक, तो दिस वन इज द एग सेल, दिस वन इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। अब मैंने न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाई कह दिया, बिकॉज ये दो न्यूक्लियस के क्या है, असेंबली से बना हुआ है, एग्रीगेशन से बना हुआ है, इसलिए प्लूरल फॉर्म यूज कर दिया न्यूक्लिया। ठीक है, दिस वन इज द पोलन ट्यूब, और ये दो लेके आई थी क्या, मेल गैमेट, एक मेल गैमेट देखो किससे फ्यूज हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और एक फ्यूज हो जाएगा किससे, एग सेल से। तो ये क्या है, ये दोनों मेल गैमेट्स, दीज आर डी जनरेटिंग एंटी
पोडल सेल्स, एंड ये क्या है, डी जनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स। एग सेल फ्यूज होकर के क्या बनाएगी, जाइगोट, और जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। यानी मैंने क्या बोल दिया कि अब आगे देखिएगा, ये एग सेल, ये लीजिए, दिस वन इज द जाइगोट, और जाइगोट ही डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। तो चलिए मैं डेवलप कर रहा हूं, फर्स्ट क्लीवेज हुआ, ये लीजिए टू सेल्ड एम्ब्रियो, ये क्या है टू सेल्ड एम्ब्रियो। इसमें से देखो दो सेल हैं, अपर सेल को मैं बोलता हूं दिस वन इज द बेसल सेल, एंड जो नीचे की तरफ है इसको बोल सकता हूं टर्मिनल सेल। बीसी का मतलब बेसल सेल, टीसी का मतलब टर्मिनल सेल, ठीक। और इस स्टेज को बोलता हूं टू सेल्ड एम्ब्रियो, ये क्या है टू सेल्ड एम्ब्रियो, ठीक। आगे का डिवीजन देखते हैं इसी में, जो ये बेसल सेल थी ये डिवाइड हुई है ट्रांसवर्सली, और जो टर्मिनल सेल थी वो देखो डिवाइड हुई है वर्टिकली, ठीक। मींस बीसी डिवाइडेड ट्रांसवर्स डिवीजन इन बेसल सेल, और इसमें क्या है वर्टिकल डिवीजन इन टीसी टर्मिनल सेल। वीडी का मतलब है वर्टिकल डिवीजन, टीडी का मतलब है दिस इज द ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल, और जब मैं कहता हूं वर्टिकल तो कैसा हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। ये कितना हो गया फोर सेल्ड एम्ब्रियो। अगर नेक्स्ट स्टेज देखेंगे तो ये लीजिए वर्टिकल सेल, ये लीजिए, यानी जो सेल थी उनमें हमेशा डिवीजन कैसे चल रहा है देखो ट्रांसवर्स, और जो टर्मिनल सेल थी उनमें वर्टिकल चल रहा है। ये कितना आ गया फोर सेल्ड एम्ब्रियो, ठीक, फोर सेल्ड एम्ब्रियो है। अब फोर सेल्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं केवल और केवल जो देखो टर्मिनल सेल हैं दे विल फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर, इसलिए मैंने फोर सेल्ड बोल दिया है। आप कहोगे तो यहां हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो टर्मिनल सेल हैं दे विल फॉर्म एम्ब्रियो प्रॉपर, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, ये टू, ये एक्चुअल में फोर सेल स्टेज है। उसके सेल देखोगे तो यहां कितनी दिख रही है एट, लेकिन मैंने किस बेस पर बोला है टर्मिनल सेल के बेस पर, ठीक। चलिए अगर मैं नेक्स्ट स्टेज देखूं तो देखिएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एंड ये वर्टिकल डिवीजन अभी चल रहे हैं। देन अब देखो इसमें पहली बार ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, ये लीजिए। अब ये आपको कैसा दिख रहा है ग्लोब टाइप में, ठीक है ना, जो आपने एटलस देखा होगा तो एटलस में एक पूरा क्या है ग्लोब। तो इस स्टेज को मैं बोलता हूं ग्लोब्यूलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ठीक। इन दोनों सेल को मैं बोलता हूं हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल।
हॉस्टोरियल जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है हॉस्ट्रा से लिया गया है, हॉस्ट्रा जो न्यूट्रिशन को क्या करें, एब्जॉर्ब करें, तो इसलिए मैंने इनको बोला है हॉस्टोरियल। दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म एज वेल एज न्यूसिलस, दोनों जगह से लेंगी। एंड ये जो पोर्शन मैंने बोला है, दिस वन इज द सस्पेंसर, सस्पेंसर यानी जो एम्ब्रियो प्रॉपर और हॉस्टोरियल सेल के बीच में एक क्या है, स्ट्रैंड है, उसको मैंने बोल दिया है सस्पेंसर। लेटर अगर स्टेज आप देखेंगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, यह हॉस्टोरियल सेल है, ये एट सेल है, सस्पेंसर सेल्स हैं, यहीं से ये देखो थोड़ा सा जो एम्ब्रियो है वो हल्का सा शेप ले रहा है, ये लीजिए, अब ये थोड़ा सा हार्ट शेप दिख रहा है, ठीक, यहां कोई ब्लैंक नहीं है, यहां एक्चुअल में वो सेल ही प्रेजेंट हैं, ये लीजिए ये सारी सेल प्रेजेंट हैं, ये लीजिए, अब मैं इसको बोलता हूं हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड ये वही सस्पेंसर है, एंड दिस वन इज द सस्पेंसर, ये हॉस्टोरियल सेल है, ठीक। नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखेंगे तो देखिए, दिस वन इज द हॉस्टोरियल सेल, दीज आर सस्पेंसर सेल्स, यहीं से ये देखिए, ये लीजिए, ये जो दो मैंने लेटरल साइड में प्रोजेक्शन बनाए हैं, दीज आर कोटिलीडन, ये दो कोटिलीडन है, ये डाइकोट एम्ब्रियो का मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं, ये लीजिए ये दो लेटरल साइड में क्या है, कोटिलीडन, ये जो बीच में मैंने प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, दिस वन, ये मिडिल वन, ये एक्चुअल में क्या है, प्लम्ब्यूल, और इस अपोजिट साइड में दिस वन, ये पोर्शन, तो दिस वन इज द रेडिकल, हियर इज द प्लम्यूल, एंड दीज आर टू कॉटिलीडन, ये लीजिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट, ठीक। ये वही सेम हॉस्टोरियल सेल है, एंड दिस वन इज द सस्पेंसर। अगर मैं नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज बनाऊं तो देखो, ये लीजिए जो एक डायग्राम एनसीईआरटी ने बना रखा है, दीज आर टू, ये दोनों कोटिलीडन है, बहुत ज्यादा इलोंगेट है, फूड लैडन पोर्शन है, इनमें भोजन भरा हुआ है, फूड स्टोर्ड फूड है, जो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे एम्ब्रियो को नरिशमेंट देंगे, इसको मैंने पहले ही बोल दिया था, दिस वन इज द प्लम्यूल, ये रेडिकल है, और यहां ये लीजिए ये कैप लगी हुई है जस्ट अबव द रेडिकल, इस पोर्शन को मैंने पहले ही बोला था, दिस वन इज द रेडिकल, रेडिकल प्लम्यूल कोटिलीडन, ये क्या है, तो आप बोलेंगे
फूड, लैडन, स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो मैंने बनाया हुआ है, दिस वन इज द रूट कैप, यानी रेडिकल के जस्ट अबव जो मैंने बनाया हुआ है, दिस वन इज द रूट कैप। और रूट कैप आपने रूट में देखा है, दिस वन इज द प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये कैसी होती है? प्रोटेक्टिव। ठीक, अब अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने टोटल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो के दो पोर्शन मैंने पहले भी बोले थे, इसके पहले अगर आप एम्ब्रियो देखोगे तो देखो, एक लाइन लिख देता हूं, जाइगोट, जाइगोट बना एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के दो पार्ट है, एक तो है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सेकेंड है कोटिलीडन। ठीक, यानी मैंने बोल दिया कोटिलीडन आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये पूरी जो एक्सिस रेडिकल है और जो प्लम्यूल है, ये एक साथ क्या बना रहे हैं, देखो, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, और अगर यहां से ऊपर देखोगे तो रेडिकल किसका पार्ट है? हाइपोकोटाइल। एंड प्लम्यूल किसका पार्ट है? एपिकोटाइल। ये पार्ट है किसका? हाइपोकोटाइल। एंड ये पार्ट है किसका? एपिकोटाइल। तो कई बार एनसीईआरटी ने यहां पे इसको बोल दिया है हाइपोकोटाइल, एक ही बात है, क्योंकि हाइपोकोटाइल का जो एपेक्स है, दैट इज द रेडिकल। इसके पहले मैं आपको बोल चुका हूं। सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।